अरे भाभी जी के मोहल्ले में लगता है कि खुशियों की भरमार हो गई है। तभी तो विभूति नारायण की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। और खुशी के मारे लीजिए, अब तो वो तिवारी जी की सेवा कर रही है, उनका पैर दबा रहे हैं और न जाने क्या क्या। वो क्या है ना, तिवारी जी ने कर दिया है प्रॉमिस कि वो मिलवाएंगे सबको सलमान खान से। भाभी जी मिलने वाली हैं सलमान खान से, इसीलिए अंगूरी भाभी सलमान और माधुरी पर फिल्माए गए गाने को गा रही हैं। और वहीं पर आ पहुंचे हैं विभूति नारायण। और जैसे ही उन्हें पता चला कि भाभी जी को सलमान खान बहुत पसंद हैं, तो उन्होंने भी ड्रामा शुरू कर दिया। उन्होंने कह दिया कि वो भी सलमान को पसंद करते हैं और उन्हें सलमान खान का इंटरव्यू करने का असाइनमेंट मिला है। अभी इस फिल्म की हीरो के बारे में क्या ख्याल है आपका? भाभी एक्चुअली क्या है कि मुझे ना जॉब मिली है एक लोकल न्यूज चैनल में। अभी मेरा पहला असाइनमेंट है कि मुझे सलमान खान का इंटरव्यू लेना है। ये भी बहुत खुशी का बात है। मगर ये सुनते ही तिवारी जी ने ड्रामा शुरू किया। फोन पर मानो अतुल अग्निहोत्री से बात कर रहे हो वैसे ड्रामा करने लगे। हाँ अतुल बोल रहे। अरे यार कमाल, इतने दिन बाद याद किया तुमने। अरे भाई तुम्हारी भारत फिल्म का ट्रेलर देखा भाई, क्या बनाया है तुमने सल्लू के साथ यार, कमाल है, बहुत ही बढ़िया। तो फिर क्या था, विभूति नारायण तो तिवारी जी के पैर दबाने लगे, उनके सामने लोलू पोलू हो गए और विनती करने लगे कि सलमान खान का इंटरव्यू करवा दो। सल्लू हल्लो बोलना है, चलो ओके ओके यार, ओके ओके। एक्चुअली मेरे करियर का सवाल, अगर आप मेरी हेल्प कर देंगे तो मेरी लाइफ बन जाएगी तिवारी जी, प्लीज प्लीज तिवारी जी। यार देखिए क्या क्या करना क्या है, आप अतुल जी को बोलिए कि सलमान खान के साथ मेरा इंटरव्यू करा। अरे हटा टाइप के छोटे काम नहीं करते यार, मत प्लीज। तो क्या लगता है तिवारी जी सलमान खान का इंटरव्यू करवाएंगे? नहीं, तिवारी माट उच्च आदमी है, इसको कुछ आता पता है नहीं। वो तो सिर्फ अंगूरी के सामने और अनीता भाभी के सामने थोड़ा सा मतलब पोज कर रहा है, क्योंकि उसकी औकात कुछ है नहीं। तो वो वहाँ जाके बेसिकली कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी कि वहाँ जो बाउंसर्स वगैरह सलमान के होंगे उनको ये तिवारी बोलेगा इनको भभूति जी को कि जाके उनके सामने सिर्फ कोड वर्ड बोलना है कि योर वाइफ इज़ वेरी हॉट, तो वो समझ जाएंगे और आपको सल्लू से मिलवा देंगे, तो वो इनकी सुधाई होती है बहुत बड़ी। वैसे कहानी कुछ कुछ सच भी होने वाली है, क्योंकि भाभी जी की टीम सचमुच सलमान खान को मिलने वाली है फिल्म भारत के प्रमोशन के लिए, और वहाँ बहुत सारे ड्रामे भी होने वाले हैं। एक छोटी सी बढ़िया सी स्टोरी बनाई है जिसमें तिवारी जी पूरी तरह से इस तरह से पोज कर रहे हैं कि वो अतुल अग्निहोत्री और सल्लू के सल्लू वो टाइप का, ऐसे करके बड़े पुराने दोस्त हैं और दोनों को ये लंगोटी में देखा है और कंचे और गुल्ली डंडा खेलते देखा है, ऐसे करके भभूति जी पे अपना प्रभाव जमा रहे हैं कि भारत फिल्म और ये सब तो हमारे मतलब दाएं हाथ का खेल है टाइप। तो तिवारी जी ने तो सारी कहानी बता दी है, मगर विभूति नारायण सलमान से मिलने के लिए इतने खुश हो गए हैं कि उन्होंने तो बात करना ही टाल दिया, कह दिया कि सलमान का इंटरव्यू लेकर बाद में ही इंटरव्यू देंगे। तो हम तो विभूति नारायण को यही कहना चाहेंगे, बेस्ट ऑफ लक विभूति जी, बेस्ट ऑफ लक विभूति जी। मुंबई से राज दीक्षित की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। कृष्णा चली लंदन में, लीजिए कृष्णा और राधे की हो रही है सगाई। अब वीर पहुंच गए रोकने के लिए और उनको पड़ गया जोरदार तमाचा। देखिए इसीलिए कहते हैं वीर की क्या करेगा काजी जब मियां बीवी हो राजी, आई मीन उल्टा कहते हैं, बट यू गेट द पॉइंट राइट।
कृष्णा और राधे की हो रही है सगाई। कृष्णा ने आखिर मान ही लिया कि यही है उसका असली राधे, तभी तो वो उसके साथ सगाई करने के लिए तैयार हो गई है। दोनों पास पास बैठ गए हैं, सगाई का तिलक भी लग गया है और दोनों ने एक दूसरे को प्यार की अंगूठी भी पहना दी है। भाई जब तक टीवी सीरियल के किसी भी सीन में हंगामा ना हो, वो सीन अधूरा सा लगता है। तो हंगामा करने आ पहुंचा है वीर। डॉक्टर वीर यहाँ शराब के नशे में आए और इस सगाई को रोकने की कोशिश करने लगे। वीर ने राधे को दबोचकर उसे मारने की कोशिश भी की, मगर राधे को बचाने आ गए कृष्णा और उसने ना सिर्फ राधे को बचाया बल्कि वीर को भी खूब खरी खोटी सुनाई और तो और उसे झापट भी मार दी। एंगेजमेंट के लिए मैं मान गई हूँ, शादी के लिए भी मान गई हूँ और डिवोर्स पेपर्स में भी साइन कर दिया है मैंने और वीर को भी धमकाया कि साइन करो और यू नो छुटकारा दो मुझे। फिर भी वो सगाई के टाइम आके हंगामा करता है, इसको मारने की धमकी देता है और गला पकड़ लेता है और ड्रंक हालत में। तो वहाँ पे मैं थप्पड़ मारती हूँ और उसको फिर से बहुत सारी बातें सुनाती हूँ और उसको घर से निकाल देती हूँ, जो कि पूरी शुक्ला फैमिली के लिए बहुत खुशी की बात होती है कि चलो इसने खुद से इतना बड़ा स्टैंड लिया, खुद मतलब मार के थप्पड़ मार के यहाँ से इतना इंसल्ट करके बाहर निकाल दिया। तो वो लोग बहुत खुश हो गए और उसी के आंखों के सामने खुशी खुशी एंगेजमेंट हो गई। वीर के पास अब यहाँ से चले जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। जो राधे है, जो अभी राधे ने जिसको मैं बार बार प्रूफ कर रहा हूँ कि ये नकली है, सो एंगेजमेंट हो रही है और मैं खड़ा खड़ा देख रहा हूँ, सो वही माहौल चल रहा है अभी। तो वीर परेशान हो जाता बेचारा, इज हार्ट ब्रोकन, तो वही घर से लौटता है बोलता बोलता। अब वीर चला तो गया है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो दोबारा नहीं आएगा, वो आएगा जरूर आएगा और नकली राधे की पोल खोल के रहेगा। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। आज शनिवार है, कल रविवार है, कल छुट्टी का दिन है, आज चिल करेंगे जी। हाँ, सैटरडे आते ही ना लोगों का मूड और मोराल कुछ ऐसा ही होता है। एंड वेरी फ्रैंकली कोई मुझसे पूछे ना, तो पर्सनली मैं चाहती हूँ कि सैटरडे को ही जहाँ जाने आने का काम है बंदा कर ले, उसके बाद संडे ना घर में रिलैक्स करो। पूरा हफ्ता तो भागदा ही होता है, तो ऐसा करते हैं आज डे आउट करते हैं। किसके साथ भाई? हमारी बहू सिल्क की वो जो फिल्मी हीरोइन है ना, उनके साथ। सैटरडे का दिन है, चिल करते हुए वक्त बिताएंगे। सास बहू और साजिश में आज हम आपको ऐसी सिल्क से मिलाने वाले हैं जिसकी आवाज़ में दम है। तो इस दमदार आवाज़ के लिए क्या कहना चाहोगे रीवा?
वो तो आपको शो देखना पड़ेगा और देख के आपको बताना पड़ेगा कि मेरी आवाज़ भी कितनी कम है। ओके, जब ये शो मिला आपको और जब ऐसे लगा कि एक दमदार आवाज़ होगी, लड़की ब्यूटीफुल होगी, खूबसूरत होगी, तो किस तरह से आपने राज़ी किया खुद को? ये मेरा पहला शो है तो मैं कुछ भी चूज़ नहीं कर सकती, मुझे जो मिलेगा मैं भगवान दे दो मेरे झोली में, तो मेरा ऐसा एटीट्यूड है। बाद में पता चलेगा कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, ये इस टाइम मैंने कुछ भी नहीं सोचा, मुझे जो मिला और मैं खुश हूँ। एंड इट्स अ चैलेंज फॉर मी एंड आई एम टेकिंग अ ह्यूज रिस्क कि मेरे फेस के साथ ऐसा दमदार आवाज़ के साथ मैं आने वाली हूँ। सुबह सुबह हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं पार्क में, तो किस तरह से वैसे रूटीन होता है, डेली रूटीन क्या होता है आपका? मैं सुबह सुबह उठ के यहाँ इस गार्डन में आती हूँ जो बहुत खाली रहता है, ज़्यादा कोई होता नहीं है, और मैं बस व्यू को एंजॉय करती हूँ। पहले के टाइम पे राजा महाराजा लोग रियल हाथी रखते थे, पर मैं क्या कर सकती हूँ, हाथी नहीं रख सकती, वो भी बॉम्बे में, तो मैंने ये रखा हुआ है, ये देखिए। और ये है हमारा डाइनिंग एरिया जहाँ पे हम बैठ के खाना खाते हैं और बहुत सारे कपड़े लड़ाते हैं। और ये मेरा बहुत फेवरेट है, एक छोटा सा सैंडेलिया, ये देखिए, मुझे बहुत अच्छी लगती है ऐसे लाइट्स जो बहुत यूनिक है, तो मैं ढूंढ ढूंढ के निकालती हूँ और लेके आती हूँ। आप मेरे बेडरूम में भी एक बहुत सुंदर सा लाइट देखोगे। मुझे ज़्यादा फर्नीचर नहीं पसंद है, तो मैंने अपने डाइनिंग एरिया को थोड़ा खाली ही रखा है। देयर इज़ नथिंग मोर देन सोफ़ा, जस्ट बैठ के बातें करो। आइए अब आप लोगों को मैं अपना बालकनी दिखाती हूँ जहाँ से बहुत अच्छी व्यू है। और ये देखिए, यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है, काफ़ी ग्रीनरी है इधर, आप देख सकते हो इस तरफ फुल ग्रीन। बारिश में यहाँ बहुत अच्छा लगता है, जस्ट ग्रीन टी ले लो और यहाँ बैठो और किशोर कुमार के गाने, आहा, और क्या चाहिए। सुबह सुबह मैं अपनी शक्ल देखती हूँ, मैं अपने फोटोज़ नहीं देखना चाहती हूँ, इसलिए मैंने मिरर लगाया हुआ है। मुझे सारे शेड्स पसंद है, आप देखिए, ग्रीन, ब्लू, येलो, मैंने कोई भी कलर्स नहीं छोड़े हैं अपने नेल पॉलिश के, आई हैव ऑल द कलर्स। और ये मेरा छोटा सा वैनिटी है जो अभी मेरे साथ शूट में जाने वाला है। ये देखिए मेरे टोपी के स्टैंड, और मैं लोगों को टोपी नहीं, मैं खुद पहनना पसंद करती हूँ। और ये रहा, आइए अभी मैं आप लोगों को अपने बुक्स के कलेक्शन दिखाती हूँ। ये देखिए, आई लाइक टू रीड दिस बुक पावर ऑफ सोल, क्योंकि मुझे लगता है कि अपने सोल में बहुत पावर है। और ये बुक, मेरी मम्मी का डेथ हो गया 2 जनवरी 2019, तो उसके बाद मुझे समझ में नहीं आया था मैं क्या करूं, तो मैंने ये किताब ली और ये बहुत अच्छी किताब है और इसमें सब पता चल जाता है हम लोग क्यों है इस दुनिया में, क्या है। तो अगर आप लोगों के पास टाइम है तो ये किताब ज़रूर पढ़िएगा। मुझे मंकीज बहुत अच्छे लगते हैं और देख सकते हो आप, मैंने मंकी यहाँ रखा हुआ है, उसके ऊपर भी मोर पंख लगा के रखा है, क्योंकि मोर पंख मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे नहीं पता क्यों, बट आई जस्ट लव। और ये और एक मंकी,
और अभी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि ये है मेरा ब्लैक कर्टन, क्योंकि मैं दिन को रात और रात को दिन बनाती हूँ क्योंकि मेरे शूट के टाइम कोई फिक्स नहीं होता, मैं दिन में आती हूँ तो मुझे सोना होता है, तो मैं ब्लैक कर्टन लगाती हूँ और पूरा रूम अंधेरा हो जाता है और फिर मैं सो जाती हूँ। आइए अब मैं आपको अपना वार्डरोब दिखाती हूँ। और ये है मेरे कलेक्शंस, आई लव कलर्स, आप देख सकते हो येलो, ब्लू, पिंक, रेड, सारे कलर्स मिलेंगे जो मैं डेली वेयर के हिसाब से पहनती हूँ। और मेरे भैया भी पायलट है तो वो बाहर जाते हैं तो मैं अपना लिस्ट दे देती हूँ कि ये लेके आना, और छोटी बहन हो तो उनको लाना पड़ता है। और ये है मेरे बैग के कलेक्शन, थोड़े बहुत ही है। और अब मेरा ड्राइवर आ गया है और उसने कॉल भी कर दिया है, और अब मैं अपने शूट पे आप लोगों को लेके चलती हूँ। और आप लोग देखिएगा कि वहाँ पे मैं कैसे चेंज ओवर होती हूँ, मेकओवर करती हूँ और कैसे सीन्स करती हूँ। ये है हमारे मेकअप दादा, सोहन दादा, जो इस ताजमहल को तैयार करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये है मेरा लुक, मैं हूँ नताशा। पीछे देख सकते हो आप, मेरे फोटोग्राफ्स भी लगे हुए हैं। ये नताशा का रूम है और अभी अभी मैंने सीन किया है और मेरी आंखें काफ़ी लाल हैं, आप देख सकते हो, गुस्से में लाल लाल हो गई है, नेचुरल एक्टिंग। और आप लोगों ने देखा होगा मैं किस तरह से सीन्स करती हूँ। और आगे आप लोगों का बहुत सारा प्यार चाहिए मुझे, आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिए, इस शो को देखिए और बताइए कि हम कैसे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है में कार्तिक और नायरा अब डूब चुके हैं भैया ड्रीम रोमांस में। भाई क्या करें, क्योंकि जब ये होश में आते हैं तो इनके बीच में इतनी मिसकंसेप्शंस है और गलत फहमियाँ हैं कि रोमांस करने का तो मौका ही नहीं मिलता। ऐसे में जाहिर सी बात है कि रोमांस करेंगे तो खाबो ख्यालों में ही करेंगे। नायरा कार्तिक निकले हैं रोमांस करने हैं। लगता है कल जो किडनैपिंग वाला सीन था ना, उसके बाद वाला ये सीन है, या तो ये नायरा और कार्तिक के सपनों का सीन है और इसीलिए तो वो दोनों रोमांस में खो गए हैं। शुरुआत उनके घर के बाहर से ही हुई है, जहां परियों से लिबास में नायरा सजी है और हवा में उड़ा रही है पर।
और कार्तिक उसे झेल रहा है, यानी छोटे से पर को। फिर दोनों पहुंच जाते हैं एक पिकनिक पॉइंट पर, जहां बने पानी के झरने के पास दोनों फिर रोमांटिक हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार की मस्ती में खो जाते हैं। और पिकनिक पर गए तो खाना पीना तो बनता ही है। नायरा कार्तिक की जिंदगी भी कभी खुशी कभी गम जैसी है। कल बहुत टेंशन था तो आज सपनों में खो गए हैं, मगर असल में तो कार्तिक के हाथ की हड्डी टूटी हुई है और नायरा उसकी सेवा कर रही है। गुंडों से मार पिटाई करते हुए कार्तिक घायल हुआ है, मगर कार्तिक के चेहरे के भाव बता रहे हैं कि उसने दिल पर भी चोट खाई है। मामला वही है नायरा के बॉस मिहिर वाला। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। ये रिश्ते हैं प्यार के, में लीजिए मिष्टी हो गई है तैयार अपनी सगाई के लिए, यानी कि गुड़धाना की रस्म के लिए। लेकिन जहां कुणाल के साथ वो अपने एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रही है, उसकी आंखें अभी भी तलाश रही हैं तो सिर्फ अबीर को। सज गई है मिष्टी उसकी और कुणाल की होने वाली सगाई के लिए। गुलाबी इंडो वेस्टर्न लहंगा चोली पहनकर, गले में एक चोकर और कानों में मैचिंग बाली, तो माथे पर मांग टीका पहनकर वो तैयार है गोड़धाना के लिए। वैसे कुणाल भी गोल्डन शेरवानी पहनकर आ पहुंचा है, किंतु परंतु उसकी ड्रेस मिष्टी से कम और कुहू से ज्यादा मैच हो रही है, क्योंकि कुहू ने भी तो ग्रे पेस्टल और गोल्डन कॉम्बिनेशन में ड्रेस पहनी है। हाँ बेसिकली, बट मुझे लगता है समर्स में तो जनरली लोग ब्राइट कलर्स पहनते हैं। ये तो हमारे मूड के हिसाब से पहना है हमने इस बार, सो दिस इज़ वेरी पेस्टल ग्रे बिकॉज टू सिग्निफाई दैट मैं बहुत ही सैड मूड में हूँ। और कुणाल ग्रे कैरेक्टर है इसलिए ग्रे। जी बिल्कुल सैड होंगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मुझे पसंद करने लगी थी और
पर मैं इन्हें जॉब से निकाल देता हूँ सैडली, और तो ऑब्वियसली किसी का भी दिल टूटेगा जिसको आप इतना चाहो, इतना प्यार करो, वो आपकी बहन के साथ प्यार करे या फिर शादी करने वाला है, तो ऑब्वियसली किसी का भी दिल टूटेगा। मगर सबका ध्यान आज खींच रहे हैं मिस्टी की बड़ी माँ के झुमके और मीनाक्षी देवी की साड़ी। गोर्धाना का मौका है इसलिए प्यारा सा कॉस्ट्यूम है, पर कहीं ना कहीं मीनाक्षी के मन में एक एक ये बिल्कुल बात क्लियर है कि ये गोर्धाना नहीं होना चाहिए, तो एक परिस्थिति जो है उससे कॉन्ट्रास्ट सोच है, इसलिए सोच के हिसाब से ये ज्वेलरी दी गई है। हाँ, बस हम फीमेल जो हैं वो मज़ा भी बहुत लेते हैं तैयार होने में और इन्जॉय करते हैं उसी चीज़ को, शौक भी बहुत होता है, मुझे तो पर्सनली भी बहुत ज़्यादा शौक है, तो मिष्टी का तिलक है तो मेरा तैयार होना तो बनता ही है। मैंने ग्रीन रंग का बॉटल ग्रीन कलर का लहंगा पहना है जिसमें ये गोल्डन कलर की ये जरी का काम हो रखा है, प्लस ये ब्रोकेट का दुपट्टा है और ये हैवी बैंगल्स। सब यहाँ हैं मगर नहीं है मिष्टी का दोस्त अबीर, क्योंकि अबीर तो यहाँ रहना ही नहीं चाहता था, तभी तो वो चला गया था। मगर जाने से पहले मिष्टी ने एक वादा उसे याद दिलाया था, इसीलिए मिष्टी जब तैयार होकर अपनी सगाई के लिए नीचे उतरी और कुणाल के सामने आई तो उसने सबसे पहला सवाल तो अबीर के बारे में ही किया कि कहाँ है अबीर? अबीर कहाँ? मगर कुणाल ने कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, वो क्योंकि वो अबीर डिसाइड करता है कि छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि शायद वो सब देख नहीं पाएगा। लेकिन मुझे, मैंने ऐसा सुना है, अभी आई एम नॉट श्योर, एक बहुत ही एक्साइटिंग सीन आने वाला है कि मुझे मुंबई की सड़कों पे घोड़ा भगाने को मिलने वाला है। होपफुली हो जाएगा, तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट सीक्वेंस। लगता है अबीर तक मिष्टी के दिल की बात पहुंच गई है, तभी तो वो वापस भी आ गया है कुछ हंसते हुए, चेहरे पर मुस्कान के साथ आया है। इसका यही मतलब है कि वो अपने साथ कहानी के लिए नया ट्विस्ट लाया है। मुंबई से स्नेहा शर्मा और आरती गुप्ता पांडे के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।